हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग VITMEE का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो कैसे चेक करना है वो इम्पॉर्टेंट है। VITMEE एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जो बिल्ला और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो है। मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। VITMEE से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर देता हूँ, तो ये एक्सक्लूसिव चैनल है जहाँ VITMEE से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। डेफिनेटली आपको ये मालूम होना चाहिए कि VITMEE का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो कैसे चेक करना है रिजल्ट को वो भी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली अगर आप गलत तरीके से रिजल्ट चेक करेंगे तो आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। लास्ट ईयर की कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई थी कि स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं चला था कि रिजल्ट VITMEE का आ गया है और वो चेक नहीं कर पाए, तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसा मैं गाइड कर रहा हूँ आपको वही करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता है कि VITMEE का रिजल्ट कहाँ चेक करना है। इस वीडियो में मैं कैसे चेक करना है, कहाँ चेक करना है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो मेक श्योर करें कि स्टेप बाय स्टेप मेरे को फॉलो करें। तो क्या करना है आपको, किसी ब्राउजर में google.com ओपन करना है और वहाँ पर वही लिखना है जो मैंने लिखा है। आपको लिखना है VITMEE 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ VITMEE से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आती है। तो मेक श्योर करें कि आप VITMEE जरूर लिखें और उसके आगे 2020 लिखने के आगे IAS पेपर लिखें। तो इसे सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं VITMEE ओके सीट अलॉटमेंट जो है वो निकल चुका है 13 जुलाई को। तो इसे ओपन करना है, IAS पेपर को ही ओपन करना है। जैसे ही ओपन आप इस पर क्लिक करेंगे ओपन होगा, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VITMEE सीट अलॉटमेंट रिलीज यानी सीट अलॉटमेंट निकल चुका है। सीट अलॉटमेंट जो है अलॉटमेंट रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुआ है 13 जुलाई 2020 को। बिल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है VIT मास्टर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, जिसके थ्रू आप MCA MTech कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, MTech प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। और मेक श्योर करें कि आपको गलत तरीके से नहीं सर्च करना है, सही तरीके से सर्च करना है। और सही तरीके से सर्च करने से क्या होगा कि आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको सही रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो फॉर्म है आप इसे ज़रूर भर दें, आपका फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तमिलनाडु का हूँ तो मैं तमिलनाडु पर क्लिक करूँ। तमिलनाडु के कहाँ के हैं, तो मैं तमिलनाडु के वेल्लोर का रहने वाला हूँ। वेल्लोर के एक छोटे से गाँव में रहता हूँ, काफ़ी छोटा है, काफ़ी दुर्गम है ओके। तो वेल्लोर पर क्लिक कर दिया। कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं MTech में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं इंजीनियरिंग MTech पर क्लिक कर दिया। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, मैंने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या होगा, गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद VITMEE से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी सबको सब कुछ आपको ईमेल और SMS के जरिए मिलते रहेंगे, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ईमेल और SMS आते रहेंगे कि आप उनके पास एडमिशन ले सकते हो। गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं लगेगा, बट एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो एडमिशन मिलेगा अलग अलग जगहों पर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं VITMEE का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। क्लिक हियर टू चेक रिजल्ट डिटेल। उससे पहले आप बता दूं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करना है, एडमिट कार्ड रिजल्ट, काउंसलिंग कट ऑफ, एलिजिबिलिटी एग्जाम सेंटर, CBT इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में दिया गया, A to Z हर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो कोई परेशानी नहीं है, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसा आपको क्लिक करना है। तो VITMEE सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर, यहाँ पे 13 जुलाई को क्लिक हियर टू चेक डिटेल्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नए टाइप में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग को VITMEE काउंसलिंग का जो है सीट अलॉटमेंट डिक्लेयर हो चुका है, यहाँ पे शेड्यूल है। तो उसे बता दूँ आपको VIT का 13 जुलाई को निकल चुका है। सबसे पहले अगर अपडेट हुई तो इसी चैनल पे हुआ है, इसी वेबसाइट पे होता है, डेफिनेटली आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली इसी पे ही चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था, उससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी हमने, और यहाँ VITMEE का VIT 2020 का सीट अलॉटमेंट रिलीज हो चुका है, इसमें रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो डेफिनेटली आप भर दें, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आप कहाँ से हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं तमिलनाडु का हूँ तो मैं तमिलनाडु पे क्लिक करूँगा, आप कहीं और के हो सकते हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर का रहने वाला हूँ, वेल्लोर के एक छोटे से गाँव में रहता हूँ, MTech में इंटरेस्टेड हूँ और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेरी ग्रेजुएशन है। यहाँ पे फुल नाम, ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना, गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे ओपन कर दें, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और भी डिटेल्स वगैरह, डेट्स, काउंसलिंग के प्रोसीजर, कैसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें A to Z सारी चीज़ें दी गई हैं। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे VITMEE 2020 की काउंसलिंग जो है डिक्लेयर हो चुकी है 13 जुलाई 2020 को। क्लिक हियर टू चेक व्यू अलॉटमेंट रिजल्ट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे और यहाँ पे आपको PG ऑनलाइन काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। उससे कैसे चेक करना है काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और ये जो वेरीफिकेशन कोड है एक्जैक्टली सेम डालना है। तो जो भी वेरीफिकेशन कोड है, कैपिटल है तो कैपिटल डालना है, स्मॉल है तो स्मॉल डालना है ओके। यहाँ पे PD डालना है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर वो डालना है, और यहाँ पे जो भी पासवर्ड है
वो डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे अपना, एप्लीकेशन नंबर 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, रजिस्टर्ड ईमेल आई डालेंगे तो email@gmail.com जो भी है आपका वो डालना है आपको, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो। यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालें, ओके। और यहाँ पे आपको एग्जैक्टली सेम लिखना है, TBEDFG, ओके, एग्जैक्टली सेम लिखना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे डेफिनेटली आपको डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड लेके आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना काउंसलिंग का जो मेरिट लिस्ट है आपका आया है उसके चेक कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व किया रहेगा। ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। VITMEE से रिलेटेड जो भी सीट अलॉटमेंट का डिटेल्स था मैंने सबसे पहले बताया आपको, तो अगर आपको ऐसा लगा कि आज मैंने सब कुछ बताया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।